हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका ज्ञान सिटी में। एसएससी जेई प्री का 2018 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल कट ऑफ ऑफिशियल नोटिस के अनुसार जारी कर दिया गया है। एसएससी ने ऑफिशियल नोटिस दे दिया हुआ है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 127.40 है। हर बार की अपेक्षा इस बार और ज़्यादा कट ऑफ हाई गया हुआ है। वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी कट ऑफ ज़्यादा गया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो कट ऑफ ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगा ही होगा। और इसमें क्या है क्या नहीं है वो आगे चर्चा होगा। तो सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पे 127 हो गया अनरिजर्व कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी ऐड हुआ है वो 118.99 है। ओबीसी कैटेगरी का 122.91 है। एससी एसटी का, एससी का है 107.61 और एसटी का है 107.01। तो 127 हो गया आपका अनरिजर्व का, 127.40। ओबीसी का हो गया आपका 122.91। ईडब्ल्यूएस का हो गया 118.99 और एससी का हो गया 107.61 और एसटी का हो गया आपका 107.01। तो ये सारा कैटेगरी का कट ऑफ हो गया सिविल इंजीनियरिंग का। टोटल कैंडिडेट जो इसमें लिया गया है वो 8,681 कैंडिडेट को लिया गया है। और इसमें आप ओएच कैटेगरी का भी कट ऑफ देख सकते हैं 97.45। हैंडीकैप्ड का देख सकते हैं 61.61 और पीडब्ल्यूओडी और अदर का जो है वो 40.08 है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 152.16 है। बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है इस बार। और ईडब्ल्यूएस का 147.47 है। ओबीसी का 149.30 है। एससी एसटी का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 133.39 एससी का है और एसटी का 125.49 है। तो इतना हाई कट ऑफ गया है। ऐसे तो देख और जो इसका मार्क्स है क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट का वो एक फॉर्मेट में आपको एसएससी के वेबसाइट पे तुरंत ही अपलोड होगा। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो एग्ज़ाम है वो 29/12/2019 मतलब 29 को ही होना है, इसमें कोई नहीं है। आप एक पीडीएफ है, पीडीएफ में आप अपना नाम सर्च करके वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका नाम उसमें सेलेक्ट हुआ है कि नहीं, अगर आप इस कट ऑफ के अंदर अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गया है। इसके बारे में भी बाद में दूसरा वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब तब तक जो भी जिस भी कैंडिडेट का इस कट ऑफ के अंदर में आया हुआ है वो अपनी तैयारी फिर से कंटिन्यू कर दीजिए, एक स्ट्रेटजी बना के। और दूसरा जो एग्ज़ाम जो जो जिसका नहीं हुआ है, जिसको इस कट ऑफ के अंदर अब नहीं आया हुआ है, जो थोड़ा सा के लिए चूक गए हैं, वो भी अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए और दूसरा एग्ज़ाम के लिए। और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाला है, निराश नहीं होना है। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।